नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमिता चौधरी। गाजियाबाद में एक नाबालिग के साथ गलत काम हुआ। 21 साल के एक लड़के ने फायदा उठाया लड़की का और उसके बाद उसके साथ बलात्कार किया, जिसके बाद पूरे जिले में बवाल मच गया था। अब इस पर एक बड़ी खबर सामने आई है, बड़ी अपडेट सामने आई है, और अपडेट ये है कि आरोपी फैजान को तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उसी के साथ 250 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। अब कौन है ये 250 लोग, अचानक से इतने सारे लोगों के खिलाफ कैसे FIR दर्ज हुई और क्यों बवाल मचा हुआ है गाजियाबाद में, ये पूरी खबर आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक नाबालिग लड़की के साथ रेप हुआ। बताया जा रहा है कि एक क्षेत्र में अचानक से लाइट चली गई और अंधेरे का फायदा उठाकर फैजान नाम का शख्स लड़की के घर में घुसा और उसके बाद खबर तो ये भी है कि उसको बेहोश करके उसकी इज्जत लूट ली। जैसे ही इस पूरी वारदात का खुलासा हुआ, हड़कंप मच गया परिवार में भी और गांव के लोगों में भी, जिसके बाद खूब बवाल काटा गया। फैजान को अरेस्ट करने के लिए प्रदर्शन किया गया। यूपी पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए फैजान को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन उसके बावजूद बवाल ऐसा कटा पूरे क्षेत्र में कि तोड़फोड़ की गई, आगजनी करने की कोशिश की गई। और जब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया आरोपी को, तो ये कौन लोग थे जिन्होंने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, इसको लेकर पुलिस ने जांच बैठा दी। और बताया जा रहा है कि 250 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है और जल्द ही इन पर बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन 250 लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाने की बात हो रही है। हालांकि ऑथेंटिक तौर पर ना ही सरकार की तरफ से, ना ही किसी पुलिस अधिकारी की तरफ से ऐसा कहा गया है, लेकिन सोशल मीडिया के जोर में जब आप यूपी का जिक्र करते हैं, जब आप यूपी की किसी घटना का जिक्र करते हैं और खासकर जब आप यूपी पुलिस के किसी एक्शन का जिक्र करते हैं, तो लोगों को लगता है कि क्या पता अगला एक्शन बुलडोजर ही हो। और शायद इसीलिए कुछ लोग फैजान के एनकाउंटर की मांग कर रहे हैं, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि बुलडोजर चल जाना चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ जिन्होंने तोड़फोड़ की और उपद्रव मचाने की कोशिश की। पुलिस ने फैजान को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से सामने आया ये इकलौता मामला नहीं है। यूपी हो या दूसरे राज्य हो, लगातार इस तरह के मामले बढ़ते जा रहे हैं जो चिंता का विषय है। बंगाल में जिस तरीके से एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप हुआ, वो किसी से छिपा नहीं है, बल्कि रेप के बाद तो जिस तरीके से बर्बरता उस लड़की के साथ हुई, पूरे देश में उबाल है। वहां पर भी मांग हो रही है कि जिस तरीके से यूपी पुलिस अपराधियों के साथ बर्ताव करती है, ठीक उसी तरीके से बंगाल में भी होना चाहिए। लेकिन बंगाल पुलिस अपने तर्ज पर एक्शन ले रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तक दुख जता चुकी हैं। नरेंद्र मोदी से एक किसी कड़े फैसले की डिमांड की जा रही है। लेकिन इन सबके बीच यूपी से सामने आई इस खबर को लेकर अब आप क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दीजिए।